ये मैं ओप्पो के बर्ड्स यूज़ करता हूँ, काफ़ी लाइट वेटेड है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी 10 बज रहे हैं और अभी मैं सो के उठा हूँ। संडे का दिन है, कुछ काम नहीं, आज फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आज जाएंगे कहीं घूमने जाएंगे आराम से, मौसम भी बिल्कुल मस्त हो रहा है। 10 बजे सोचे ये मौसम हो रहा है, धूप तो कहीं है ही नहीं आसपास, हवा भी नहीं चल रही आज। ठीक, अभी तक मैं रेडी नहीं हुआ हूँ। कल तो मैं नहाया नहीं था, ठंड ज़्यादा थी, बारिश हो रही थी, मम्मी मना करते पूरी रात यहाँ बारिश हुई है, पूरा रोड कीचड़ है। अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ किताब लेने के लिए अपना, जो ऑर्डर आया आ तो जाएगा नहीं, बट पैक करके रख दूँगा, कल क्या आसानी होगी। उसके बाद चलेंगे रेडी होकर कहीं घूमने के लिए। दादी भी आई हुई है, दादी भाई चल नहीं सकती हैं, लेकिन चलो दादी साथ स्टोरी सुनेंगे, उसके बाद हम चलेंगे घूमने के लिए। फ़िलहाल तो मैं जाता हूँ, मैंने ब्रश कर लिया है, कुछ नाश्ता नहीं करा, पहले किताब लेके आएंगे, जो ऑर्डर आए हैं उनको दिखाऊंगा, कुछ रिव्यू करूंगा, उसके बाद रेडी होते हैं, उसके बाद मिलता हूँ। अभी 12 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ छत पे। नज़ारा बड़ा मस्त हो रहा है, ना ठंड चल रही है ना हवा चल रही है, देखो हवा बिल्कुल नहीं चल रही। और छत पे आओ मैं चूल्हा बनाने के लिए, जैसे गाँव में चूल्हा होता था ऐसी ईंट खड़ा कर दी, कुछ लकड़ी थी उससे पानी गर्म करेंगे, हल्की हल्की हवा चल रही है लेकिन फील नहीं हो रहा। तो ऐसी जुगाड़ वाला चूल्हा बनाया, दिखाऊँ? जुगाड़ वाला चूल्हा बनाया, लकड़ी एरी, इसमें पानी गर्म करेंगे और दीदी नहाएंगी पानी गर्म करके। तो बस ये चूल्हा बना दिया, और पीछे मेरी चीज़ दिख रही है मेरी गंदगी, ये मैंने साफ़ नहीं करा था, इसको मैं भी साफ़ करता हूँ। फिलहाल तो पानी गर्म हो जाए, उसके बाद थोड़ा इधर साफ़ सफाई करेंगे और तुरंत रेडी होता हूँ। 12 बज के तक मैं नहाया नहीं, कल भी नहीं नहाया था, आज भी नहीं नहाया, लेकिन आज नहाऊँगा पूजा पाठ करने के बाद, उसके बाद चलेंगे कहीं घूमने के लिए। तो मैं हो गया बिल्कुल नहा के रेडी, कपड़े पहन लिए मस्त। ठीक, अब 1 बज रहे हैं और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस प्रिंट आउट निकालने के लिए, क्योंकि माल अभी तक कुछ पैक नहीं हुआ है। आज माल जाना नहीं, संडे का दिन है, आराम से पीछे सामान देख रहा हूँ, ये मैंने इकट्ठा कर लिया, जो जो मुझे बनाना है ये सारा आज गायब हो जाएगा। क्या क्या मैंने इकट्ठा करा, कि कौन से रॉ मटेरियल से मैं बनाने वाला हूँ अपना प्रोजेक्ट जो मैंने बताया था। फिलहाल तो मैं निकलता हूँ ऑफिस, ऑफिस से आने के बाद वीडियो एडिट कर दूँगा मैं, अपलोड करके ही आऊँगा हाथों हाथ। 1 बज रहे हैं, 3 बज जाएंगे, 3 से 4 बज जाएंगे, तो 4 बजे तक काम खत्म हो जाएगा। प्रिंट आउट भी साथ में लेके आऊँगा, फिर पैकिंग करने के बाद 5 बजे के बाद अपना काम स्टार्ट कर दूँगा मैं। ठीक, और कुछ तो काम नहीं, और कल है, कल मुझे प्रिंटर लेने जाना है। फिलहाल तो मैं आज का देखता हूँ, आज वो सारा काम खत्म करने के बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। मैंने जो सामान जिस रॉ मटेरियल से बनाना था वो मैंने इकट्ठा कर लिया है। फिलहाल अभी निकलता हूँ ऑफिस के लिए, प्रिंट आउट निकलवाता हूँ, प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ, और वीडियो एडिट अपलोड करने के बाद फिर मिलते हैं। फाइनली वीडियो एडिट हो गई, अपलोड भी कर दिया मैंने। 2 बज रहे हैं अभी, सारा काम ख़त्म, मेरा प्रिंट आउट भी निकल चुका है, अब बस एक काम रह गया पैकिंग का। पैकिंग करना है घर जाके, प्रिंट आउट निकल चुका है, वीडियो अपलोड हो चुकी है, 2 काम तो ख़त्म। अब जा रहा हूँ घर, घर जाके पैकिंग होगा, पैकिंग के बाद काम स्टार्ट करूँगा मैं। फिलहाल तो अभी घर जाना है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। बाकी मैं ओप्पो के बर्ड्स यूज़ करता हूँ, मेरे ओप्पो के बर्ड्स, ये मैं ओप्पो के बर्ड्स यूज़ करता हूँ, काफ़ी लाइट वेटेड है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मस्त है। देखो सी टाइप दे रखा है इसमें चार्जर, सी टाइप चार्जर दे रखा है, ये भी अच्छा है और अच्छा बैकअप देता है। फिलहाल इसके बारे में बाद में बताऊँगा, फिलहाल मैं भी जा रहा हूँ, प्रिंट आउट निकल चुका है, वीडियो एडिट हो चुकी है, 2 बज रहे हैं। अब घर जाके खाना तो खाया नहीं अभी तक, सुबह खाया था, भूख भी लग रही है, घर जाके खाऊंगा, काम ख़त्म सारा, निकलते घर के लिए। घर पहुंच चुका हूं और अभी 3:30 बज रहे हैं, सारा काम ख़त्म हो गया है, ये पैकिंग भी हो गई, सारे ऑर्डर पैक हो चुके हैं और ये लेबल भी आ चुके हैं, ये रे ठीक, बस इनमें लेबल लगाना रह गया, बस इनमें लेबल लगाना रह गया है। और खाना भी अपना आ चुका है, खाना आ गया गर्मा गर्म, तो खाने बनाए आज गर्मा गर्म पीले चावल, बस ये खा के जल्दी अपना इनमें लेबल लगा के थोड़े बहुत ऑर्डर डिस्पैच देखो दिखाऊंगा किस किस के ऑर्डर है, कहाँ से ऑर्डर आए हैं, वे सारे निकलने के बाद, आज तो जाएगा नहीं कल ही जाएगा, और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। 3:30 बजे, 1 घंटे के अंदर सारा काम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँगा। ए मॉर्निंग आए, तो वेलकम टू द नेक्स्ट डे। फिलहाल मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको इस ब्लॉग में अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, बाय।